फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार आज मैं फाइनली पाल वर्ल्ड खेलने वाला हूं वैसे तो गाइस पाल वर्ल्ड रिलीज होने वाला है 19 को ठीक है यह सब तो ठीक है रिलीज डेट का मैंने यार आप लोगों को बता दिया स्टीम से आप लोग खरीद करके खेल सकते हो बहुत ही बढ़िया गेम है चलो यार गेम को खेलने से पहले थोड़ा सा गेम के बारे में जान लेते हैं आखिर पाल वर्ल्ड ये गेम है क्या मतलब कैस किस टाइप का गेम है ठीक है गाइज ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है थोड़ा बहुत आप लोगों को पोकीमोन का फीलिंग भी दिलाएगा थोड़ा बहुत आप लोगों को अर्क सर्वाइवल इवॉल्व का भी फीलिंग दिलाएगा इस गेम में आप लोग फाइट कर सकते हो फार्मिंग कर सकते हो एंड गाइस आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोग पोकीमोन पकड़ते हैं यहाँ पे पोकीमोन तो नहीं बट इन्हीं मॉन्सर्स को हम लोग बोलते हैं पाल इसलिए गाइस इस गेम का नाम है पाल वर्ल्ड ठीक है तो पाल्स को पकड़ करके उन लोगों को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं एंड दूसरे पालों बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं और, सकते हैं, सकते हैं. और एक चीज यार एक बंदे ने स्टीम में पूछा था कि व्हाट दिस आप लोग लिटरली स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है इन दिस गेम यू कैन पीसफुली लिव अलोंगसाइड मिस्टीरियस क्रिएचर्स नोन एज पाल्स और रिस्क योर लाइफ टू ड्राइव ऑफ ए रूटलेट पोचिंग सिंडिकेट मतलब आप लोग इन पालों के साथ रह भी सकते हो या तो बैटल भी कर सकते हो एंड ऑल्सो का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाल्स कैन बी यूज टू फाइट और डे कैन बी मेड टू वर्क ऑन फार्म्स और फैक्ट्रीज जैसे कि मैंने बोला था यार फाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर फैक्ट्रिय एंड फार्मिंग के लिए भी उन लोगों को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन इवन सेल देम बेच भी सकते हैं किसको बेच सकते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं वो तो गेम में ही मालूम पड़ेगा और ईट डैम यही तो आ जाता है अर्थ सर्वाइवल इवॉल्व का कॉन्सेप्ट हम लोग खा भी सकते हैं ठीक है यार, आप लोग तो बाकी गेम प्लेस तो देख ही एकदम हु ऐसा ही होने वाला गेम ठीक है यहाँ पे यार लुकारियो के जैसे कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे ब्रो अनुबिस बोलते हैं उसको ये है ये ये जो कैरेक्टर है इसको बोलते हैं अनुबिस ठीक है एनवे गाइड चलो और वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों को गेम के अंदर डाइव मारते हैं ब्रो

Guys, game has been started. जैसे देख पर मुझे यहाँ पे कुछ पाल दिखाई दे रहे हैं कैरेक्टर क्या बढ़िया बना दिया जैसे मैं देख पर आर्क में भी क्या बोल रहा ये क्या होल्ड्स द ट्रुथ ओके कुछ ना कुछ यहां पे दिखाया जा रहा है okay, ओके तो गाइस में क्या बोला था आर्क में भी ऐसा ही शुरुआत होता है मैं एक नदी किनारे स्पॉन होता हूं मैंने क्या बोला था मीन के जगह यामिन देख रहे हो यामिन हो गया एनीवेज गाइस ये है मेरा कैरेक्टर काफी ओपी लग रहा है गाइस गेम पे काफी स्मूट है एंड जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त देख पा रहे हो इस एरिया का नाम विंसिप कुछ करके था एंड एक मिनट गाइस यहां पे कुछ मुझे ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे कि कि कि

तो इसलिए ओपन वर्स ओके एंड गाइस क्या आपको पता है ये गेम ना चेंज करेगा सब कुछ पोकीमोन का जो नजरिया है मतलब इस गेम में हम लोगों को पोकीमोन की तरह मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलेगा एंड आर्क की तरह आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की तरह एक्सपीरियंस मिलेगा ठीक है एंड जैसे कि डेक पर हमें क्या करना पड़ेगा पिकअप फॉरन ब्रांचेस तो जैसे कि डेक पानो यही है, है? Guys, ये मैंने ये फॉरन ब्रांच ये थोड़ी ना है नो oh, no, करने के लिए ये क्या है अच्छा ये पंचिंग है तो पिकअप करने के लिए ब्रांचेस चाहिए मेरे को तो इधर से मुझे कुछ मिलेगा क्या नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं पिकअप करने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा मैन करना क्या पड़ेगा मेरे को ओ ओ ओके गाइज okay. ये है फॉलन ब्रांचेस तो ठीक है अब मुझे यहाँ पे ओपन द बिल्थ मैनो चलो बिल्ड मैनो एंड ये बिल्ड करना पड़ेगा राइट तो ये कहाँ पे मैं बिल्ड करूँ ये जगह ये जगह ठीक ही लग रहा है बट बर... वेट ए मिनट गैज ये कौन है अभी अब ये कौन है चलो इनके साथ बात करेंगे बट ये जगह मेरे को काफी बढ़िया लग रहा है जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक पाल भी है एक पाल है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक व्हाइट कलर का एक चिकन जैसा पाल एंड मैं अपना घर इस वाले एरिया में डेफिनेटली बनाने वाला हूँ तो इसको इधर बिल कर देता हूं एंड ये कौन सा पाल है फटाक से देखो क्या एक बार मार के शिट मैंने इसको मार दिया अब ये मेरे को डेफिनेटली अटैक करेगा इसके ऊपर मतलब इसके पास कोई पावर और है क्या वो वाह अटैक कर सकता है और कुछ कर सकता है क्या लड़ेगा क्या Shit. ये, 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 ये। पे मैंने जैसे तो हम लोग पाल को पकड़ करके अपना साथी बना सकते या फिर पाल को मार करके हम लोग इनको अपना भोजन बना सकते हैं जैसे कि देख पा रहे हो मैंने इसको मारा एंड इससे हमें चिकन मिला और एग मिला क्योंकि गाइज ये एक पाल ये वाला पाल एक मुर्गी पाल था ठीक है एक मुर्गी पाल एक मुर्गी पोकी मोन भी बोल सकते हो पाल भी बोल सकते हो एंड आई गॉट सम ओट आई हैव सम चिकन जो कि मैं डायरेक्टली uh, खा सकता हूँ मे बी डायरेक्टली खा सकता हूँ यस yes, तो खा लेते हैं एंड एग है उसको पका करके खाना पड़ेगा वेट ए मिनट 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 डिलीशियस वन फ्राइड बट ऑल्सो कैन बी यूज टू अच्छा मेरे को लगा इससे मैं यार ये कर सकता हूँ किसी एक पाल को uh, जन्मा सकता हूँ ठीक है आप मेरे पास पॉइंट्स वगैरह कहां पे है मैं आ, ओके तो पाल्स तो इंपॉर्टेंट चीज है ये है पाल अच्छा जैसे में होते होते हैं हैं पोकी बॉल यहां पे पाल्स तो दिस इज लाइक ए पोकी बॉल तो पाल्स पेयर इक्वल टू पोकी बॉल समझ रहे हो इक्वेशन <laughs> ओके तो गाइज ये वाला खोल लेते हैं नहीं नहीं पालस पियर पहले खोलेंगे ना ब्रो क्योंकि यही चीज तो मेन काम आएगा पालो को पकड़ने के लिए राइट तो दूसरा चीज मुझे खोलना पड़ेगा ये पाल बॉक्स फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग कैप्चर्ड पाल्स इन साइड ग्रेजुअली रिकवर एचपी दिस इज ऑल्सो वेरी ओपी दिस इज लाइक अ पोकीमोन सेंटर गाइस ये जो पाल बॉक्स है अगर मैं पाल्स पेयर को इस पाल बॉक्स के अंदर रख दूंगा तो गाइस अपना uh, पाल का अगर एचपी कम होगा तो वो फुल हो जाएगा यप गाइस यू आर गेटिंग मी राइट कैम फायर खोल लेते हैं क्योंकि रात को कभी कभार ठंडा लगता है जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अभी नंगा पंगा हूं तो यार ये काम आएगा आँख सेंकने में मजा आ जाएगा वुड एंड चेस बॉक्स डेफिनेटली काम आएगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए रिपेयर बैंड्स बहुत ज़्यादा काम आएगा इनफैक्ट मैं सारे के सारे चीज़ों को खोल लिया हूं ऑलमोस्ट uh, को नहीं खोल पाया पाल कि पारो, दिस ए पोकी डेक्स जैसे तो पालों को देखा है इसको देखा है तो ये शिप जैसा एक व्लू की तरह देखने वाला एक आ, पाल है ठीक है एंड दिस इज लाइक ये टोड़ा कैट गाइस ये तो आ, इसके जैसा है ना जो यार इंसनेरो बनता है उसका एकदम छोटा वर्जन उसका नाम क्या था यार उसका नाम क्या था? थान करके कुछ था ना लिटेन ही था से मैं फोटो लगा दूंगा ठीक है इसके बगल में ही फोटो आप लोग देख सकते हो दोनों थोड़ा बहुत सेम लग रहे हैं ना एंड ये है गाइस चिपकी क्या क्या चिकीपी पी चिकी पी ओके चिक चिकूम चिक बूम ओके चिक, बाम, बाम, okay, तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चीज़ कर लिया ओपन द ऑप्शन मेनू ओके ऑप्शन द मेनू एंड यहाँ पे कुछ करने के लिए सर्वाइवल गाइड प्रेस करने के लिए बोल रहे थे ना तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया तो गाइस मुझे अगर किसी चीज़ का हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे आराम से एस्केप दबा करके सर्वाइवल गाइड को पढ़ सकता हूँ एंड ऑल्सो मूव नियर द प्लेन बिल्ट लोकेशन फॉर प्रिमिटिव वर्क बेंस एंड अच्छा प्लेन बिल्ट तो वो मैंने तो वो कर लिया ना ब्रो अच्छा okay. चलो इससे बात करते हैं. I don't know who is this guy. इनके पास तो पिस्टल भी है दिस दिस लिविंग पीपल आई केम विथ विद अस एनी लॉन्गर दोस डैम पाल्स एट एवरी वन ऑफ देम चलो जी ये तो अलग ही चीज हो गया यहाँ पे हम लोग पालों को नहीं खा मतलब पाल को तो खा ही सकते हैं मतलब पाल वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स को इनफैक्ट वो मॉन्स्टर्स भी हमें खा सकते हैं दिस इज लाइक सम हॉट नेक्जोमोन नेक्जोमोन आप लोगों ने गेम सुना है ना तो नेक्जोमोन भी यार इंसानों को खाते हैं ठीक है एनी वेज यहाँ पे जैसे कि क्या आ रहा है यू बी केयरफुल आउट देयर ठीक है जी हियर टेक सम बेसिक सप्लाइज यू नीड टू टफ एंड अप इफ यू वॉन्ट टू सरवाइव आउट देयर ठीक है जी थैंक यू सो मच आपका नाम ऐसे आपका नाम एक्सपीडिशन द सर्वाइवर ओके तो गाइज बहुत ही यार खतरनाक होने वाला ये दुनिया ठीक है ये दुनिया ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ओके गाइस अब मुझे बिल करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को तो मैंने स्ट्रक्चर को तो प्लेस कर दिया है ये है स्ट्रक्चर का ब्लू अब अगर मैं होल्ड करूंगा ओ गाइस दिस इज ग्रेट गैस देख हो बनने का मैकेनिज्म काफी ओपी लगा का मेरे को सीरियसली बनने का मैकेनिज्म काफी ओपी लगा एनीवेज मैंने इसको बना लिया हूं क्राफ्ट क्राफ्ट मुझे क्राफ मतलब वो पोकी बॉल की तरह वो चीज मुझे बनाना पड़ेगा तो यहां पे अगर मैं जाऊंगा इसको बनाने के लिए मुझे पालडियम फ्रेगमेंस चाहिए एंड देन स्टोन चाहिए तो स्टोन के लिए कोई इतना मगजमारी नहीं करने से भी हो जाएगा अटैक पाल्स टू वी कैन डेम डेन प्रेस क्यू टू थ्रो अच्छा पोकीमोन का कौन सा भी है पहले गैस पोकीमोन को हमें मारना आना पड़ता आधे हेल्थ तक लेकर के आना पड़ता है एंड देन पोकी जब फेंकते हैं तो वो पोकी मॉन पोकीबॉल के अंदर आ जाते तो उसी का कॉन्सेप्ट इधर भी है बिल्ड ए पाल बॉक्स इन एन ओपन अच्छा तो पाल बॉक्स भी मुझे बनाना पड़ेगा तो पाल एक मिनट पाल बॉक्स बनाने के लिए मे बी आई नीड टू यूज दिस थिंग है ना नहीं तो पाल बॉक्स कैसे बना लेंगे ब्रो एक मिनट यहाँ पे जाते हैं ओके ये पे क्यों नहीं जा पर? ओके तो पाल बॉक्स इन मटेरियल वुड चाहिए चलो ठीक है मुझे समझ में आ चुका है अच्छा इसको अभी बना ही नहीं पाएंगे समझ रहे हो तो पहले तो वुड कलेक्ट करना ही पड़ेगा एंड वुड ऐसे नहीं कलेक्ट कर पाएंगे वुड ऐसे कलेक्ट कर पाएंगे ओ आई मीन स्टोन ठीक है व्हाट इज दिस थिंग मेगा स्पियर भाई ये कोई खत... ए ए ये जो मेगा स्पियर है दिस इज लाइक ए

तो और एक चीज़ मैं बना सकता हूँ एक मिनट एक मिनट मुझे चाहिए पेलडियम वो जो था पालडियम मेगा फ्रेगमेन या क्या वो इसको कलेक्ट करने के लिए कर पालडियम फ्रेगमेन ये कहाँ से मिलेगा कहाँ से ब्रो या तो इसको बनाना पड़ेगा हाउ कैन आई गेट दिस मुझे ये मिलेगा कैसे गाइस पालडियम फ्रेगमेन मुझे मिलेगा कैसे गाइस जैसे कि देख पा रहे हो गाइस वो एक मेमोरेस्ट है एक हाथी पालमोन एक हाथी पालम अगर इसके पास जाऊंगा तो ये अटैक करेगा क्या डर लग रहा है यार डर लग रहा है अभी तक तो कुछ भी नहीं कर शांत स्वभाव का कैसे पालमोन है बट अगर मैं अटैक कर दूंगा तो डेफिनेटली ये मेरे को अटैक करेगा एक यो यो यो। ये ये किसके साथ पंगा ले रहा है ये कैसे अरे कैसे वो इसके साथ पंगा ले रहा था क्या Anyways, guess, मुझे यार इन लोगों के साथ अभी पंगा लेना ही नहीं है एंड मैं क्या बोला था गेम के के बारे में काबिलियत तारीफ है काफी स्मूथ गेम प्ले मेरे को देखने को मिल रहा है तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा एंड इससे मुझे पाल्डियम फ्रेगमेंट मिलेगा ओके जल्दी से तोड़ ले बेटे जल्दी से तोड़ ले बेटे यू हैव अ न्यू अट पॉइंट अच्छा गैस यहाँ पे भी अपने क्या हो गया इसको मेरे को क्या हो गया एंड ओके मुझे मिल रहा है पाल्डियम फ्रेगमेंट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक पालडियम फ्रेगमेंट ही मिला मेरे को और एक पालडियम फ्रेगमेंट मेरे को चाहिए था एंड वॉट इज दैट थिंग भाई ये भी काफ़ी स्पेशल चीज़ ही लग रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आई नो दिस इज काइंड सम काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल होगा शायद है क्या चीज़ ये मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका है एंड ये पास में कौन है यार कौ को ऐसे कर रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है एक तो मिलेगा देखते हैं मिला और मिलता है इससे वही तो है गाज यहाँ पे पाल क्योंकि मेरे को आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है ठीक है अच्छा ये वलू जैसा ये है अच्छा आई थिंक ये वाला जो पाल होगा ये वाला ये जो यार फायर टाइप होगा आई थिंक ये फायर टाइप ही होगा मैं इस तरफ से नहीं चढ़ पाऊंगा क्या चढ़ पाएंगे ना ब्रो ओके चलो अब जो चीज़ मुझे करने के लिए दिए हैं वो चीज़ कर लेता हूँ मैं ओके एंड ये है क्या चीज़ ब्रो ये क्या चीज़ है वट इज़ दिस ओ ये अच्छा इसको फास्ट इसको मैंने अनलॉक कर ली ये फ़ास्ट ट्रेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं हम okay, ओके अब चलो यार पाल्स पेयर बनाते हैं पहले तो स्पेयर ही बनाएंगे ठीक है पाल्स पेयर बना करके मैं एक पाल को डेफिनेटली कैप्चर करना चाहूँगा सो so, चलो खोलते हैं एंड यस yes, जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं अभी एक पाल्सपेयर बना पाऊँगा एक की दो, दो बनाते हैं दो बनाते हैं चलो ओके okay, ये बन रहा है बन रहा है ना बन रहा है ना अच्छा मुझे खुद से ये बनाना पड़ेगा होल करके ओ ओके ओके तो ठीक है पाल्स बनके रेडी हो चुका है तो एक्योर कर लेते हैं तो ये पाल्स मेरे इन्वेंट्री में आ चुका है अब मुझे दूसरा चीज ये बना लेना चाहिए क्योंकि इससे मैं अगर किसी एक पाल को मारूंगा वुडन क्लब से तो उसको डैमेज पड़ेगा ठीक है तो फटाक से ये भी चीज मैं बनाना चाहूंगा जल्दी से बना ले ब्रो जल्दी से बना लेके तो गाइज ये बन रहा है एंड जैसे कि मैंने देखा गाइज ये कंप्लीट हो चुका है इसको भी एक्वायर कर लेते हैं ओके okay, तो गैज अब किसी एक पाल को पकड़ते हैं चलो एंड एक मिनट ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट कैंसिल एक मिनट डो डबा करके चेंज ओके okay, डो डबा करके चेंज कर सकते हैं एंड मैं क्या बोल रहा है इन दोनों स्पीयर्स ओके कैप्चर पावर सेवन कैप्चर पावर फोर्टीन तो ये मेगा स्पीयर ज़्यादा पावरफुल है बाद में जगर के साइड से इससे भी खतरनाक वाले मैं स्पीयर्स बना पाऊँगा तो पहले कौन से वाले मुझे पाल को पकड़ना चाहिए गाइज मैंने जैसे कि बोला था फायर वाले को पकड़ेंगे तो फायर वाले को ही पकड़ लेते हैं कि नहीं गाइस हाँ चलो गाइस फायर वाले को ही पकड़ लेते हैं बट आई डोंट नो कि फायर वाले का पावर क्या है वो फायर वाला तो इधर ही था ना है आई गाइस वो फायर वाला मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है सही बता रहे हैं चलो गाइस इस तरफ से नीचे चलते हैं एंड बिल्ड ए पाल बॉक्स सब कुछ कर लेंगे जो जो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है सब कुछ मैं करने वाला हूँ वो रहे गाइज मेरे को दिखाई दे रहे बट वहाँ पे झुर्न में है तो ये लोग मेरे को जून में भी अटैक में भी कर सकते हैं में भी कर सकते हैं आई डोंट नो कर सकते हैं कि नहीं एंड यहाँ पे मैं जून में पकड़ भी सकता हूँ जून में पकड़ने से मेरा ही बेनिफिट होगा यार पर मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं ओके ओके ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं बट यहाँ पे ढेर सारे ये इसका नाम केटिवा है देख ये कैटिवा है एंड गाइज ये लोग तो चले गए अब मेरे को सिर्फ यहां पे एक ही नजर आ रहा है लेवल वन का औरे, औरे, मत भाग मत, मेरे को ही देख करके भागे मे भी ओ हाँ हाँ गाइस मेरे को देख करके भाग रहे हैं ये लोग रुक, 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 तेरे पकड़ेंगे ओके 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 अब चलो गाइज दो दबाते हैं दो दबा यार गाइज मैं क्या ओके क्यू ओके ओके मत भागमत चले Guys, देखते कैप्चर कर पाएंगे मजा आने वाला है ठीक है, है? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं है ना? इसको oh. निकाल लेते हैं भागवान 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 अरे भाग ये अभी भी भाग ही रहे नहीं भाग रहे ये क्या है तू इधर आ जाओ वापस आ जा वाह पहले इसके नेचर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना दोस्त ये अगर ये दबा देंगे तो पैसिव स्किल कावर्ड अटैक ओके मोटिवेशनल लीडर ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज टू प्लेयर स्पीड अच्छा वाइल इन टीम कैटिवा हेल्प कैरी सप्लाइज इंक्रीजिंग द प्लेयर ओह नाइस तो गाइस मैंने इसको अभी अपने टीम पे रखा हूं ना तो अगर मैं इसको टीम पे रखूंगा जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो तो मेरा जो इन्वेंट्री का स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टेक्नोलॉजी में मैं कुछ अपग्रेड कर पाऊंगा स्ट्रक्चर हाँ इसको अपग्रेड कर लेता हूँ ओल्ड बो इसको भी खोल लेता हूँ एंड आइटम एरोस तो डेफिनेटली खोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बो खोला है तो एंड रिपेयर किट ओके खोल लेते हैं एंड दिस इज क्लोथ यस गैस क्लोथ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए एंड स्ट्रॉ पाल बेड हाँ गैस अपने पाल के लिए तो एक बेड चाहिए ना मैं अपने लिए ही बेड सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बट मुझे एक पाल के लिए अपना ये चाहिए बेचे एट ए ग्लेंस ओके okay. तो मैं इन तीनों के तीन पालों को पकड़ने वाला हूँ अभी काफी रात हो चुका है तू आ वापस इसको मैं कमान कैसे दे सकता हूँ कमान देने के लिए फोर ओके फीड इमोट कमांड ओके कमांड अटैक एग्रेसिवली फोकस ऑन सेम एनिमी इमोट्स तेरे को मैं इमोट के लिए भी बोल सकता हूँ क्या वेव कर अपने भाई लोगों को हेलो वेव तू भी तू नहीं करेगा क्या गाइज ये लोग सो रहे हैं तो मुझे लग रहा है मुझे इसको भी पकड़ ही लेना चाहिए ठीक है तो मेरे पास ये है थैंक देते हैं चलो वूलू जैसे देखने वाले इसको भी मैंने पकड़ लिया 99 एंड 100 हंड्रेड आएगा 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 यस आ चुका है ये भी आ चुका है अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है मैंने दोनों पाल को तो पकड़ लिया इसको देखते हैं ए वॉक अप हील टेंस टू एन विद दिस पाल ट्बलिंग बैक डाउन ए वाकअ हिल्ट ओके डिस कॉजेस इट टू बिकम डीजी एंड अनेबल टू मूव मेकिंग इट इजी टू कैप्चर एंड किल अच्छा इसको कैप्चर एंड मार पाना ईजी है मेरे लिए मतलब इंसानों के लिए ठीक है एज ए रिजल्ट डिस पाल हैजल डाउन टू द वेरी बॉटम ऑफ द फूड चेन इल्फ अच्छा तो कैस मतलब लोग इंसान लोग इसको खा पा आराम से खा सकते हैं क्योंकि यह सो जाता है एंड इस मेरे को मैंने जैसे क्योंकि बोला था मेरे को ठंड लग रहा है एंड मेरे को लिटरली गाइस मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार इतना अंधेरा है गाइस रात के समय में, इधर में, यार लकड़ियों को ढूंढने के लिए आया था जैसे कि पर ये क्या है इसका नाम डे ड्रीम है ब्रो ये एक रात में निकलने वाला पाल है जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ एंड ये क्या है ये क्या है वही भाई अब ये भी यार अलग टाइप का एक पाल है ब्रो यहाँ पे मेमोरियस भी सो रहा है यार रात के ओ गाइस कितना बढ़िया मैकेनिज्म है रात के समय में एक मिनट गाइस रात के समय में यार पाल सो जाते हैं यार जो डीन वाले पालस है वो लोग सो जाते हैं कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ठीक है गाइस मैं मरने के तादाद में आ गया हूँ अगर अब मैंने नहीं बनाया ना ब्रो ये कैम्प फायर तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा तो चल 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 बन ले बन ले बन ले ओके अब यहाँ पे मुझे डालना भी पड़ेगा क्या वो जल्दी से बन ले यार कितना स्लो तरीके से बन रहा है गाइस ओके अभी भी पांच सेकेंड चार तीन दो एक बन ले फाइनली गाइस मैं बाल बाल बचा यार एंड मैं अपने दोनों पालों को निकालना चाहूंगा एंड गाइस मैं इसको एक मिनट गाइस मैं आप एक मिनट तू आ जाओ एंड दूसरे पाल को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो मैंने एक ही पाल को निकाल अच्छा अच्छा यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ तू भी आ जा क्या हो रहा है यार एक साथ में दो पालों को नहीं निकाल सकता हूँ क्या एक साथ में भी गाइस मैं दो पालों को नहीं निकाल सकता नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा यार एक साथ में दो पालों को निकाल सकता हूं ई नहीं दबाना पड़ेगा फिर आई थिंक ओके ओ नहीं आई थिंक एक साथ में दो पालों को नहीं निकाल सकता हूं अगर पार्टी में जाएंगे तो जैसे कि देख पा रहा हूं एंड ये मेरे को क्या कर सकते इसका पैसिव जैसे ट्वेंटी तो फाइव इंक्रीज टू प्लेयर लॉगिंग व्हेन एक्टिवेटेड इक्विप्स एक टू द प्लेयर एंड बिकम्स अल अच्छा कह शील काम करता है क्या बट ये चीज यार अगर दोनों को निकाल पाते तब और ज्यादा अच्छा लगता ये देख रहे हो ये देख रहे हो, हो। एंड इसके आते ही गाइस मेरे पास एक शील आ गया ये देख रहे हो एक मिनट एफ होल्ड करना पड़ेगा एफ है मैंने होल्ड करा तो ये शील ये मेरा शील बन गया ओ पर इसको कैसे पकड़ रहा है यार अरे गाइस ये तो गलत है अरे जाले 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 जाले, 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 जाले। और यार फेंक दिए यार बेचारे यहाँ पे पालों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं मिल रहे हैं ओके एनी वेज गाइस अब मुझे बनाना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है एक मिनट ये कहाँ पे चला गया एक मिनट ये ये बना लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे वुड चाहिए ठीक है मैं एक फटाक से और एक चीज़ कर लेता हूँ मुझे ये स्टोन एक्स भी बना लेना चाहिए। चलो वुड कलेक्ट कर लेते हैं पहले आई स्टोन एक्स में अब बना पाऊंगा ठीक है ये स्टोन एक्स मैं ये बनाना चाहूंगा चलो फटाक से ये बना लेता हूँ क्योंकि स्टोन एक्स आने के बाद यहाँ पे आस ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो मैं आराम से पेड़ों को कट कर पाऊंगा ठीक है एंड वेट ए मिनट गाइस मैं वेपन को कैसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे ओ वेपन को बस ऐसे माउस व्हील घुमाने से ही वेपन स्विच हो जाते हैं ठीक है जी तो कट करते हैं आप जैसे कि डेग पर मुझे ढेर सारे वुड्स मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ मेरे को फाइबर भी मिल रहे हैं आप गाइस आराम से और एक चीज़ में बना सकता हूँ इसको और नहीं बना सकते क्या अच्छा स्टोन भी तो मेरे को चाहिए होगा तो स्टोन एक्स भी मैं फटाक से बना ही लेता हूँ उसके लिए भी खुद स्टोन ही चाहिए ओके ठीक है तो क्या मैं इससे स्टोन कलेक्ट कर सकता हूँ वो भी देखते हैं मार्टो रहा हूँ पता नहीं ओके okay, स्टोन्स मिल रहे हैं ठीक है नहीं मिलेगा और एक स्टोन मिलेगा ओके तो ये स्टोन एक्स भी बना लेता हूँ चलो ओके तो अब क्या हो गया अच्छा पांच स्टोन चाहिए क्या पांच स्टोन चाहिए गाइस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो पांच स्टोन मुझे और एक स्टोन चाहिए मेरे को ठीक है ओके डन अब मैं आराम से स्टोन एक्स भी बना पाऊंगा ओके okay, ओके okay, तो ये ये बना लेते हैं स्टार्ट प्रोडक्शन एंड यहाँ पे और क्या है बिल्ड ए पाल बॉक्स इन एन ओपन स्पेस द सराउंडिंग एरिया विल बिकम योर बेस अच्छा जी ऐसा हो होगा क्या मतलब अगर मैं पाल बॉक्स को इस वाले एरिया पे बनाऊंगा तो वो ये जो एरिया है ये मेरा कंप्लीटली मेरा बेस एरिया बन जाएगा ठीक है मुझे थोड़े से स्टोन चाहिए डन आप गैस मैं आराम से पाल बॉक्स बना पाऊंगा राइट ये आपका ओ ऊट भी अब और ऊट चाहिए मेरे को ठीक है कोई टेंशन वाला बात नहीं ठीक है मिल गया मिल गया अब चलो बना लेते हैं डायरेक्ट ये इस चीज को इधर बना लेते हैं ताकि ये वाला एरिया मेरा हो जाए ओके बिल्ड ओके बन रहे ये ऑटोमेटिक बन रहा रहेगा जैसे कि ओ, एक मिनट पे ऊलू मेरे को हेल्प कर रहा है ओ नाइस जैसे कि पर नाइस यार हो oh, ओके okay. ये बहुत बढ़िया लगा यार थैंक यू सो मच यार आई थिंक बाद में जा के मैं और भी पालों को निकाल पाऊंगा बट यहां पे यार पोकी यहां पे यार पाल्स हेल्प करते हैं ये चीज देख करके मेरे को काफी अच्छा लगा एंड तू hmm. आ जा तू आ जा बाटी एंड इसमें मैं क्या कर सकता हूँ चलो दबाते हैं अगर मैं इसको इधर रख दूंगा तो क्या हुआ ये कहाँ पे चला गया Guys, एक मिनट एक मिनट ये कहां पे गया पे इसको ले, ले लेता एंड एक मिनट गैस मेरे को यहाँ पे मिशन दिखा डेप्लॉय ए पाल टू वर्क टू द बेस दी टेन लेटर फाइनली गाइस यहाँ पर कैंप फायर लग चुका है एंड मेरे को थोड़ा बहुत आराम महसूस मिलेगा ठीक है एंड गाइस मैं यहाँ पे चीजें भी बना सकता हूँ बट यार एक मिनट गायस मेरे पास कोई यार खाने का चीज है नहीं मतलब खाने के लिए कुछ चीज है नहीं एंड एक्सेस द पाल बॉक्स एंड ए पाल टू योर बेस एक्सेस ए पाल ओके मतलब पहले मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा चलो एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा एंड सामोन ए पाल टू योर बेस सामोन ए पाल टू योर बेस मतलब ये चीज मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इधर पहले आ जा ये क्या? ये मैं मर गया यार ओ गाइस भूख मारी के चक्कर में मैं मर गया भूख मारी के चक्कर में मैं मर गया यार गाइस ये तो गलत ही चीज हो गया यार गाइस मैं सेम जगह में ही स्पॉन हुआ हूँ एंड एक मिनट गए मेरी चीज़ें ये हैं तो मैं फटाक से अपने चीज़ें ट्रांसफर कर लेता मैं फिर से मर जाऊँगा यार मैं फिर से मर जाऊँगा मेरे को क्या लग क्या रहा है मेरे को ठंड लग रहा है क्या तो मुझे क्लोथ बना लेना चाहिए ना तो क्लोथ फटाक से बना लेते हैं ओके हाँ चलो बना लेते हैं है, यार क्लोथ बना लेते हैं यार यही चीज़ मुझे करना चाहिए था एकदम पहले ही चीज़ करना चाहिए था ओके एक्योर करते हैं आप गए चलो फटाक से क्लोथ्स को पहन लेते हैं क्लोथ्स को वट गए क्लोथ को कैसे पहनेंगे अभी ओ ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं अभी वैसे ये क्लोट करेगा क्या वो भी तो एक बार देख लो ये क्लोट करेगा क्या क्लोट वेवन फ्रॉम वोल रिकॉर्ड टू अच्छा आर्मोर बनाने के लिए ये चीज यूज होंगे ओके तो टेक्नोलॉजी में जाते हैं हम तो अभी खोलने के लिए खोलने के लिए भी कुछ है नहीं अच्छा आउटफिट थोड़े देर बाद ही खुलेगा थोड़े देर बाद खुलेगा अब गैस मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा इस बहुत ज्यादा ठंड है एंड यार बहुत ठंड महसूस हो रहा है एंड मैंने गाइस यहाँ पे एक फाउंडेशन लगा लिया मुझे थोड़े से ऊँच चाहिए क्योंकि मैं रात को ना अपना घर का काम ही कर लेता हूँ फटाक से मुझे ढेर सारे एक्चुअली में मुझे ढेर सारे ऊँच चाहिए ठीक है ओके कैप्चर फाइव लैम बॉल्स एंड अर्न एक्सपी लेम्प बॉल्स मतलब अच्छा इसका नाम लैम बॉल्स था क्या एक मिनट गैस फटाक से देख लेता हूँ पाल में जा करके इसका नाम एक मिनट पाल डेक अच्छा इसका नाम आ इसका नाम तो पांच मुझे पांच को कैप्चर करना पड़ेगा गाइस एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच को कैप्चर करना पड़ेगा हो, हो। गाइस ये तो गलत ही चीज़ है अब गाइस फटाक से निकाल लेते हैं अपने पीक को ओके अरे कहाँ पे मार रहा हूँ यहाँ पे है स्टोन ओके मुझे स्टोन्स भी थोड़े से चाहिए मैं लेवल फोर का हो चुका हूं जैसे ही गाइस मैंने यहां पे दूसरा फाउंडेशन लगाया मैं लेवल फोर में आ गया हूं गाइस अब क्या बनाएंगे गाइस अब कुछ खोल भी पाएंगे तो पहला जो चीज़ मुझे खोलना चाहिए डेफिनेटली गाय मुझे कपड़ा खोल लेना चाहिए क्योंकि मेरे को काफ़ी ठंड महसूस हो रहा है ठीक है एंड हैंगिंग ट्रैप ये क्या है कैच पाल्स दैट पास थ्रू ओनली ओ अच्छा इससे कि गई मैं पाल्स को कैच कर पाऊंगा अलार्म बेल बेल डेट सेट्स द अलर्ट सिरस फॉर द पाल्स ऑन बेस चेंज पाल बिहेवियर टू आइडोर अटैक इन अच्छा ये बना लेंगे फीड बॉक्स ये पालों को खाने के लिए है ओके okay? ठीक है ये फीड बॉक्स स्पीयर भी बना लेते हैं ब्रो एंड कॉमन से यह सब कुछ मैं कर लूंगा ठीक है ये सब कुछ मैं कर लूंगा एंड हाँ बिस्तर भी मैं बना ही लेता हूँ अब पहले गैस कपड़े का काम मुझे कर लेना चाहिए तो कपड़ा मैं भी गैस मैं इधर ही बना पाऊंगा राइट हाँ गैस ये इधर ही बना पाऊंगा बट उसके लिए गैस मुझे उस उलू को भी मारना पड़ेगा एंड हाँ अनयूज पॉइंट्स है तो फटाक से इस बार क्या बनाएंगे गैस इस बार शायद से मैं सोच रहा हूँ डिफेंस नहीं बना सकते हेल्थ पर ही ध्यान देते हैं ओके चलो गैस हेल्थ पर ही ध्यान दिया एक काम करते ही वो तो जाग चुका है मैं फटाक से अपने पाल को निकालता हूँ एंड इसको ऑर्डर देने के लिए अगर मैं बोलूँगा इसको अटैक करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा ओ नहीं 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 तू आजा वापस से आजा एंड देन मुझे एक मिनट कामान ओके एंड एक मिनट अटैक एग्रेसिवली मैंने बोल दिया अब अगर मैं बोलूँगा इसको अटैक करने के लिए अब आएगा कि नहीं मेरा पाल तो आ ही नहीं रहा ओके गाइस मेरा पाल आ रहा है फर्स्ट बटल होनी चाहिए वुलू की तरह का स्पिन अटैक भी कर सकता है एंड अब कौन जीतेगा वो देखते हैं चलो कौन जीतेगा वो देख अरे बहुत बढ़िया यार क्या बैटल हो रहा है क्या बैटल हो रहा है जिसकी देख पा रहे हो एंड ठंड के मारे मेरा यार जिसकी देख पा रहे हो मेरा हालत खराब है मार 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 कर सकता है तू अरे कैप्टी कैप्टिवा का हालत काफ़ी ख़राब है बट मुझे लग रहा है कैप्टिभा इसको हरा देगा बहुत बढ़िया यार तू कर सकता है तू, तू आ जा वापस आ जा मुझे इसको पकड़ना है तो डेफिनेट नहीं मेगा स्पियर नहीं यार मेगा स्पियर ख़त्म ये तो ख़त्म ही हो चुका है राइट तो इससे मुझे वो लेना अच्छा वूल मिल चुका है वूल ऐसे ही मिल जाता है मतलब ओ नाइस 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 इस वूल ऐसे ही मिल जाते हैं अब फटाक से और एक कपड़ा बना लेता उसके बाद का इसमें यस मेरे पास कपड़ा आ जाएगा एंड मुझे इतना ठंड भी महसूस नहीं होगा ओके एक्योअर अब चलो फटाक से इसको खोल दें जैसे कि देख पा रहे हो चल बना ले बना ले बना ले बना ले गाइस कपड़ा बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा वक्त लग रहा है

ओके okay. इसको मुझे ऐसे ही मारना पड़ेगा ये मिनट मेरे पास ये क्लब था ना ये ले ये ले ये ले मैं तेरे को ऐसे ही पकड़ लूंगा रुक ओके okay. चलो आप, आप फेंकते हैं ये क्या बकवास ये क्या बकवास चीज मैंने कर दिया यार मैंने दो पर को ऐसे ही बर्बाद कर दिया एक दो आ गया चलो यार और मुझे यार टीन को पकड़ने पड़ेंगे ओहे ओहे वो ओहे वे, 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 वे गाइस इन न्यू पाल इन न्यू पाल ठीक है चलो इसके साथ भी डील कर लेंगे बट मुझे फ्रेगमेंट चाहिए यस लकीली गाइस यहाँ पे सुबह हो चुका है सुबह के टाइम में गाइस मैं आराम से यहाँ पे पालों को देख पाऊंगा एंड यस मुझे ढेर सर अभी ये चाहिए पहला जो चीज़ मुझे चाहिए ये क्योंकि ये पेल्डियम ये जो है पालडियम फ्रेगमेंट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ठीक है एक इधर से मिल चुका है मुझे और भी चाहिए एंड वहाँ पे एक दरवाज़ा है पानी में भी हाँ पानी में भी यार खतरनाक वाले पाल्स निकलेंगे ठीक है एंड गाइस ये क्या करेगा यार ये जो ये चिकन की तरह है गाइस ये पाल भी कुछ ना कुछ खतरनाक चीज करेगा ठीक है इन लोग का इवोल्यूशन भी होता है मैं बताना भूल गया हूं इन लोग का इवोल्यूशन भी होता है गाइस मुझे और एक देखने को मिल चुका है चलो इसको भी लेते हुए जाएंगे ओके दे ढेर देड़ सारे मुझे पालियम फ्रेगमेंट दे दे आराम से आराम से गाइस आप तो ढेर सारे बना पाऊंगा इधर मैं नहीं बना पाऊंगा राइट गाइस अगर इधर बना पाते हैं ना पाल्सपेयर तो तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है चलो अपने कैप्टिभा को स्ट्रांग बनाते हैं एंड इसको अटैक कर बहुत बढ़िया क्या मार रहे? ये स्क्रेच अटैक भी यूज कर सकते हैं है। इसको खत्म ही कर डाल इसको खत्म ही कर डाल हाँ यार दोनों ही बहुत बढ़िया बैटल कर रहे हैं मार मार जल्दी से मार ले नाइस नाइस वेरी ये क्या ओके कैप्टिव है इससे मुझे कुछ मिल सकता है क्या अभी भी किसी को ओ ये दोनों को ही मार रहा है ब्रो दोनों के साथ ही पंगा ले रहा है ब्रो ओके बहुत बढ़िया तू सीरियसली बहुत बढ़िया है दोस्त लेट्स गो आजा 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 ये काफी एग्रेसिव स्टेट में है क्योंकि गैस मैंने ही इसको एग्रेसिव करके रखा हूं लज गो लज गो लज गो लज गो लज गो गो ओके पाल बेड भी बनाना पड़ेगा आज जो जो मुझे चीज करने हैं वो तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा छोटा सा बेस भी बना लूंगा ठीक है एंड जाते हुए मुझे ये देखना पड़ेगा एक्सेस द पाल बॉक्स एंड समोने पाल टू योर बेस बेस ठीक है तो एक्सेस हाँ ये करना पड़ेगा ना ओ ये करना पड़ेगा इसको करने से क्या होगा आ, ओ ग अब मैं समझ चुका हूं Guys, अब क्या होगा अब अगर मैं अभी एक मिनट और भी कर सकते हैं क्या नहीं अब और नहीं कर सकते यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लॉट है मेरे आ, घर में जो काम रहेंगे यही कर देगा मेरे लिए ये तो बहुत बढ़िया चीज है टेक आउट ए टे बेस एंड दे विल ऑटोमेटिकली सर्च फॉर जॉब्स जॉब डेपेबल ऑफ अच्छा जी जा तेरे को जो सही है तो वो कर क्या बात कर रहे हो गैस ये पत्थर भी तोड़ सकता थैंक यू सो मच और गेम कितना बढ़िया है फिर आप लोग खुद ही सोच सकते हो गाइज यार यार वेरी मच थैंक यू यार अब मुझे खुद से यार मतलब स्टोन कलेक्ट नहीं करने से भी हो जाएगा यार करो करो तुम लोग काम करो एंड गैस यहाँ पे मैं चिकन का कुछ बना सकता हूँ अच्छा मैं बेरीज को भी पका सकता हूँ क्या चलो एंड ये तो खुद से ही कर... करे पे यार सेक रहे हैं बेक बेरीज मतलब बेक बेरीज समझे नहीं कि यहाँ पे चिकन का टुकड़ा क्यों नजर आ अच्छा ये तो बस एनिमेशन के लिए दिखा रहे हैं एंड वेस मेरे को भूख भी लग रहा है एंड गैस फिर से रात हो चुका है क्या Uh, मैं खुद ही खाऊंगा गैस मैं खुद ही खाऊंगा क्योंकि मेरा मीटर काफी डाउन था अब चलो गैस मुझे पाल्स पेयर बना लेना पड़ेगा तो मैं फटाक से जितना हो सके बना लेता हूँ टीन बना सकते हैं तो फटाक से टीन को बना लेते हैं ठीक है ओके कैप्चर ऑन फाइव लेम्बल्स वो कर लेंगे इंक्रीज इनक्रीजर प्लेयर लेवल बाय कैप्चरिंग थर्टी पाल्स थर्टी पाल को अगर कैप्चर ओ गाइस ये आया था काम करने के लिए ओ तू भी कर सकता है क्या ओ थैंक यू सो मच तू भी कर सकता है क्या ठीक है तुम लोग करोगे बट मैं थोड़ा सा और काम कर ओह गाइस वेट ए मिनट वेट ए मिनट इसको पकड़ लेते हैं चलो इसको पकड़ लेते हैं चलो यार आ रहा है क्या मेरा कैप्टिवा आ रहा है गाइस इसके साथ लड़ने के लिए मुझे पता ही था कमान 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 इसको अटैक कर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर एक मिनट इसको कैप्चर करना गाइस इसको कैप्चर कर ले तुम दोनों ही क्यों आ रहे हो फाइट करने के लिए आ गया गाइस मैंने एक चिकन पोकेमन को पकड़ लिया अगर गैस उस चिकन पुकेमान को अभी मैं इधर डाल दूंगा ना ब्रो तो इसका एचपी एंड तुम लोग अपना काम करो तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो काम पे ध्यान दो थैंक यू सो मच एक देने के लिए ठीक है मैं कर रहा था यहाँ पे बेस का काम फेंक दिया ना ब्रो यार यही गलत चीज करता हूँ यार जो चीज मुझे नहीं करना चाहिए वो चीज क्यों करता हूँ बी से करते यार बनाना का काम शेठ यार इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना लेना पड़ेगा फाउंडेशन हाँ थोड़ा सा फाउंडेशन का काम करते हैं मैं बस इन लोगों को कमेंट दूंगा ये लोग आएंगे कि नहीं ये लोग आ रहे थे एक्चुअली काम करने के लिए। एक में है, ये, ये, ये कौन सी चीज में एक्सपर्ट है, यार? पता नहीं। ये में है। इसने में लिए कितने सारे स्टोन्स कलेक्ट करके दिए अब मजा आ रहा है गाइस अब गेम में और ज्यादा मजा आ रहा है सो so, फटाक से जो चीजें मुझे करना है वो चीजें मैं कर लेता हूँ बेस बेस अरे उलू उलू टू हट कलेक्ट किए जा रहे हैं ओके गाइस मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है इस, इसके साथ पंगा लेना है पड़ेगा इसके साथ पंगा ले इसके साथ पंगा ले यस कमान इसको हरा गाइस ये दूर से भी अटैक कर सकता है नाइस, 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 नाइस। ओ, मेरे पास लेकिन यार मेगा स्पीयर के अलावा ये है ना हरा मत देना यार ये मेरे को मार रहा है मैं वेट कर रहा हूं जैसे ही गाइस इसका हेल्थ कमेगा होकर होक्रेट्स, मैं होक्रेट्स को पकड़ लूंगा ठीक है 20%, 20%, दोनों ही आ आ यार रुक 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 जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा ये ले फेंक दिया देखते हैं क्या कैप्चर कर पाएंगे मुझे लग लग रहा है इसको कर पाऊंगा मुझे अब शायद से मैं बनाऊंगा अपने वर्क स्पीड को बना लेते क्योंकि मेरा वर्क स्पीड काफी स्लो लग रहा है yes. ओके okay, टेक्नोलॉजी में कुछ यस yes, अनलॉक करना पड़ेगा जैसे कि ये फीडबॉक्स मुझे अनलॉक करना पड़ेगा एंड बेरी प्लांटेशन फार्मिंग का काम और पैरासूट हाँ गाइज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंस फार्म आ, क्या फार्म फॉर रेजिंग शिप एंड फाउल लाइक पाल्स पाल्स एसाइन ए पाल विद द अप्रोप्रिएट ट्रेड्स टू ए फार्म पता नहीं गाइस ये क्या है बट मैंने खोल लिया है ठीक है ठीक है जी मैंने खोल लिया है एंड अब यहाँ पे मुझे दरवाज़ा भी लगाना पड़ेगा तो चलो फटाक से दरवाज़ा भी लगा देते हैं एक मिनट बिल कंटिन्यूसली ओके बिल कंटिन्यूसली का ऑप्शन तो है इधर ओके okay? मतलब नॉर्मल घर ही बना रहा हूँ इतना हाईली क्वालिफाइड घर नहीं बना रहा हूँ मतलब इतना भी स्टाइलिश घर नहीं है बट ठीक है काम चलाओ घर में बना रहा हूँ ठीक है वुडन डोर ये yes, गैस वुड एन डोर इज हियर ये ये मैंने क्यों बना लिया ब्रो एक मिनट गज ये मैंने एक मिनट ओके okay गाइस अब मैंने एक बेकार चीज़ तो कर दिया मैंने दो दरवाजे क्यों बना दिए ब्रो मैंने दो दरवाजे क्यों बना दिए गलती से वो प्रेस हो गया था यार गलती से एक्चुअली वो गलती से ही प्रेस हुआ था अब पता नहीं गाइस मैं क्या कर सकता हूँ चलो यार रूफ़ का काम ही कर लेता हूँ रूफ ट्राइंगल ट्राइंगल रूफ़ यस डेफिनेटली ट्राइंगल रूफ ही चाहिए मेरे को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में खराब लग रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट अप्रोप्रियट लग रहा है यार ये वाला पार्ट काफ़ी अप्रोप्रियट लग रहा है तो ठीक है आज घर का काम मैं ऐसे ही रहने देता हूँ घर का काम तो ठीक है कर लेंगे बट अब मैं थोड़े से और ये बनाने वाला हूँ ये ये क्यों बना नहीं पा रहा हूँ वोट ओ ऊट 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 कलेक्टर कोई नहीं है क्या क्या मेरे टीम में ऊट कलेक्टर नहीं है यार मेरे को वोट कलेक्टर चाहिए था ओके ये क्या कर सकते हैं ऑफ एंड लॉस इन थॉट इट्स समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप आई थिंक चलो इसको निकालते हैं ये डार्क टाइप है ओ अच्छा टाइप ऐसे देखते हैं क्या तो एक मिनट पाल को निकालने के लिए एक मिनट ई ट्री नहीं इसको निकालते हैं एक मिनट तू आजा ये क्या कर सकता है वाइल इन टीम इंक्रीज अटैक पावर ऑफ डार्क पल्स अच्छा ये अगर मेरे पास कोई डार्क पाल रहेगा तो उन लोगों का अटैक पावर यह बढ़ा देगा ठीक है तू उधर क्या कर रहा है ब्रो तू इधर आजा बिल्ड अप योर बेस अनटिल इट्स लेवल सेवन मतलब यहाँ पे बेल एक मिनट बेस का यहाँ पे लेवल्स भी शो कर होते हैं क्या कहाँ पे वो कैसे जानने को मिलेगा ब्रो बेस का लेवल कैसे जानने को मिलेगा ब्रो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तो ये तो मेरा है ये मेरा है ठीक है चलो यार चेस बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि चेस बॉक्स काम आएगा ब्रो बहुत ज़रा काम आएगा एंड हैंगिंग ट्रैप ये भी बना लूंगा बट पहले चेस बॉक्स बना लेते हैं एंड रेंस इसका भी कुछ ना कुछ काम तो आएगा ब्रो चलो वुडन चेस बॉक्स ये घर के अंदर रख के आते हैं लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, लेट्स गो। ये ना इधर ही कहीं पर रख देता हूँ ओके कोई आकर के बना करके देगा क्या इट सेम सागरी तू तो बिल्कुल भी मना करके नहीं देखा ओ इट सेम सांगी मतलब गाइस मैंने फीडर नहीं बनाया है ना ब्रो एक मिनट फीडर मेरे को बना लेना चाहिए था यार एक मिनट ये है फीडर फीडर के लिए गैस वुड चाहिए थे ठीक है मैं फटाक से वुड कलेक्ट कर, कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पाल मर भी जाएंगे ठीक है जैसे आर्क सर्वे इवॉल्व में मर जाते हैं गैस अगर कुछ नहीं खिलाते हैं डायनासोर्स को तो उद, इधर भी ऐसा ही सेम चीज़ है एंड ओ तू बना रहा है क्या डोस्त यार तू ओ थैंक यू सो मच यार डोस्त थैंक यू सो मच यार पाल बॉ बो, पाल बॉक्स पाल बॉक्स को मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ एनी वे इसका फीडर बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा यहाँ पे खाना वाना रखना पड़ेगा एंड इधर ये बना करके देगा ना ये ये आ रहा है इस बनाने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ये देख रहे हो एंड तू कितना तू बहुत बेकार है मेरे को मालूम पड़ गया मतलब तू अच्छा है तू डार्क पावर को बना सकता है बट तेरे से अच्छा ना मेरा ये है ये कैटिवा एटलीस्ट मेरे लिए यार पत्थर वत्थर कलेक्ट कर सकता है ओके यहाँ पे खाना रखना पड़ेगा तो ये लोग बेरीज खाते होंगे मे भी तो मैं यहाँ पे बेरीज डाल रहा हूँ वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है ओ नाइस 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 वेरी नाइस बेरीज खा भी रहा है और बेरीज कौन कलेक्ट कर रहा है और ये एक मिनट ये देखो ये देखो ये देखो और ये बेरिस बेरिस कलेक्ट करके पे कहा अरे तू कितना प्यारा है तुम लोग कितने प्यारे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ये लोग बेरिस कलेक्ट करके इधर डाल रहे हैं मानना पड़ेगा ब्रो मानना पड़ेगा चलो चलो यार सीरियसली बोल रहे हैं यार मानना पड़ेगा ठीक है एंड अब मुझे यार पालस पेयर कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यार ये वाला मिशन व्लू वाला मिशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक है तो मैक्स मैक्स सिर्फ एक ही बना पाएंगे क्या तो क्या चीज मेरे पास मिसिंग है अच्छा वूड वूड कितना तादाद में चाहिए यार कोई वूड कलेक्ट अरे ये भी यार बेचारा डबैरिस कलेक्ट कर रहा है यार ओके okay, अब मुझे इसको अपग्रेड कर लेना पड़ेगा फटाक से इसको अपग्रेड कर लेता हूँ तो इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा आई डोंट नो हाउ कैन आई अपग्रेड हिम एक मिनट यहां पे मिशन में कुछ ना कुछ तो था अच्छा ऐसे अपग्रेड कर से ओ गाइस ये है बेस इसमें बेस लेवल दिखाते मेरा बेस सिर्फ एक ही लेवल का है अभी ठीक है अगर मैं इसको अपग्रेड करके दो लेवल पे लेके आऊंगा तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आ, मैं दो पांच को रख पाऊंगा यानी मैं और एक व्लू को रख पाऊंगा तो मुझे ये yes, डेफिनेटली मेरे पास एक मिनट गाइस और एक चीज मुझे देख ही लेना पड़ेगा मेरे पास अभी कुल मिला करके कितने वलूज हैं मेरे पास वलूज कितने हैं ओके ये है कितने में से आई थिंक एक नहीं मेरे पास दो होंगे यार एंड मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका है डेफिनेटली मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका है यहाँ पर मेरे पास वलू है क्या ओह है वो ये तो काम कर ही रहा है ना एक मिनट तो इसको भी इधर रख देता हूँ चल आप दो दो वलूज काम करेंगे जाओ दोनों के दोनों काम करो ठीक है नाइस यार नाइस वेरी गुड कॉन्सेप्ट वेरी गुड कॉन्सेप्ट यार बढ़िया गेम है बहुत चलेगा बहुत चलेगा गाइस ये गेम एंड मैं इसका ये लिफ्ट कर सकता हूँ लिटरली ये लोग इधर डाल रहे हैं थैंक यू सो मच यार यही तो चाहिए दोस्तों मेरे पास पत्थर एक्चुअली में ढेर सारे हैं मुझे इतने भी पत्थर नहीं चाहिए तो जब चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा ठीक है ठीक है जी तो हाफ लेते हुए जाते हैं हाफ ले लेते हैं ठीक है हाफ़ ले लेता हूँ वो नहीं चाहिए इसको मैं इधर डाल देता हूँ ओके ये क्या है वोड़। 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 वो वोट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट लेट्स गो नेक्स्ट मुझे ये करना पड़ेगा तुम लोग काम करो तुम लोग डेफिनेटली काम करो एंड अब मुझे क्या इंक्रीज योर प्लेयर ओके थर्टी पल्स तो वो तो आज नहीं कर पाऊंगा बट कैप्चर फाइव लेम बॉल्स तो लेबॉल्स को कैप्चर करने के लिए जाते हैं चलो लेम बॉल्स को कैप्चर करने के लिए जाते हैं एक लेकिन लेबॉल्स को कैप्चर करने के लिए जा तो रहा हूँ बट मेरे पास थोड़ी ना स्पीयर्स हैं यार पाल स्पियर मेरे को चाहिए होगा ना ब्रो तभी तो मैं यार और पालों को कैप्चर कर पाऊंगा कितना बना पाऊंगा चार बना पाऊंगा चलो जी कोई बना करके देगा क्या ये आ रहा है ठीक है टू ही बना करके दे थैंक यू सो मच यार

और हैंड हेल्थ टॉर्च ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फटाक से ये ये कोई मेरे लिए बना करके के दो ये मेरे लिए कोई बना करके दो बन रहा है कोई बना रहा है ना ये जा रहा है गैस बनाने के लिए ठीक है तू बना करके दे मेरे को ठीक है पाल्स विदाउट बेड हाँ हाँ तुम लोग के लिए मैं बेड का ही बंदोबस्त करूँगा मैं इसको कैंसिल करने के लिए ये एक मिनट बेड बनाने के लिए ओके ये है तो ये तुम लोग का बेड ना तुम लोग का बेड इधर आग के पास ही मैं रख दूंगा ताकि तुम लोग आराम से सो सकते हो आराम से बनाओ और एक बैट चाहिए क्या क्योंकि यहाँ पे दो उलूस है तो मुझे लग रहा है मुझे दो बैट बना लेने चाहिए ठीक है तो दोनों उलूज़ आराम से इधर सोएंगे खाएँगे टू टू भी लग रहा है क्या अरे यार, यार ये तीनों के तीनों मिल करके है, मेरे यार इस चीज़ को बना रहे हैं ठीक है बैट को थैंक यू सो मच बडीज तुम लोग यार सो जो करना है करो ठीक है एंड एक मिनट कैसे मैं अपना भी बैट बना वो वो चाहिए मेरे को

एंड हाँ ऐसा एक बॉक्स भी मुझे बनाने लेना पड़ेगा मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवा रहा हूं मैं खुद भी करूंगा बट मैं खुद या रिसोर्स कलेक्ट कर रहा हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सीरियसली बता रहे यार, मैं खुद भी लग जाता हूँ चलो मैं खुद ओके स्लीप रात के समय में सो जाएंगे ना ब्रो तब मजा आ जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है अब कैप्चर फाइव लैम वो चीज़ कर लेते हैं लेम को ढूंढना पड़ेगा ब्रो ओ ओ ओ ओ एंड पैरासूट बनाने के लिए एक मिनट एक मिनट ओ एक मिनट गाइस ये चीज़ मैंने लेटेस्ट देखा गाइस यहाँ से मैं ऐसे बॉल को चेंज कर सकता हूँ बस ऐसे करके ठीक है जी अब एक और चीज़ मुझे देखना रेंस तो बना लेंगे ब्रो हैंगिंग ट्रैप भी बना लेंगे बट अभी रात का समय होने वाला है तो मुझे लग रहा है पहले तो मुझे ऊपर चढ़ चल... ओ ये ऊपर कैसे ओ वाह गाइस मेरा यार इसके पास भी यार अनोखे ताकत तो है यार पाल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल फिर से गाइस पाल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल दिखाया जा रहा है पेरासुप में बना लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे दो क्लॉथ को बनाना पड़ेगा ठीक है तो दो क्लॉथ तो नहीं बट फिलहाल एक ही क्लोथ को बना पाऊंगा तो मैं ही बना देता हूँ तुम लोग मताओ मैं मैं बना दिया हूं, ब्रो मैं बना दिया हूँ ठीक है एंड चलो यार अपने इसको अपने वर्क स्टेशन को भी थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं ओके ओके यहां पे जाते हैं बेस अपग्रेड बेस अपग्रेड लेवल थ्री में आ चुके हैं चलो गाइस आप तीन वलू जैसे दिखने वाले पालों को पकड़ते हैं मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं ब्रो मेरे को दिखाई दो पाल टीम ही मैंने तुम लोग के लिए खाना तो रख करके आया है ना ब्रो हाँ और एक मिल चुका है चलो इसको पकड़ लेते हैं अभी यहाँ पे एक्चुअली ना दो हैं बहुत बढ़िया ओके आजा ये आ चुका है अब तू भी आजा तू भी आजा जा दोनों के दोनों को पकड़ लिया या मैंने चार को पकड़ लिया बस और एक चाहिए तू फिर से आ गया भाई इसको रोकना पड़ेगा यार इसको ना डेफिनेटली रोकना पड़ेगा तू आ जा दोस्त तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कमान पाल यार रुक जा इतना भी एग्रेसिव मत हो कमान डोंट अटैक अभी अटैक मत कर ठीक है मैं जब तेरे को बोलूंगा अटैक करने के लिए तब तो तू अटैक कर लेना दोस्त अभी अटैक करने का कोई जरूरत है ही नहीं एक्चुअली आ जा आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा तू हंग्री फील कर रहा है क्या दोस्त ठीक है तेरे को मैं खिलाऊंगा थोड़ा वेट तो कर ले तेरे को ऐसे खिला क्या सकता हूँ तेरे को तेरा इन्फेंट्री में ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा क्या मुझे ये मेमोरेज चाहिए था लेकिन ये लेवल पैंतीस का है एंड मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मेमोरज को अभी पकड़ पाऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में मैं ट्राई कर लूँगा ये क्या ये पाल्सपियर है ओ गैस पाल्सपियर ऐसे भी मिलते हैं क्या जमीन पर ऐसे भी मिल जाता है वो पाल काफ़ी अनोखा लग रहा है उस पाल को उस पाल के साथ लड़ें क्या एक काम करते हैं इस पाल के साथ लड़ते हैं ओके ये लड़ेगा ना ओह ये लड़ रहा है लड़ रहा है इसके साथ ओ गाइस इसके पास काफी बढ़िया वाला अटैक है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ शिट नाइस वेरी नाइस ओह दोनों के दोनों आगे ओह गाइस ये क्या अटैक है शिट गाइस मुझे अपने पाल को बुला लेना पड़ेगा किसी और एक पाल को यूज करके देखो क्या डार्क टाइप के अगेंस्ट डार्क टाइप को भेजते हैं चलो कमान बोलू हिट हिम मैं भी पेल रहा हूँ इसको एंड ये भी पेल रहे ये दूर से ही अटैक कर रहा है एक्चुअली में एंड एक मिनट गैस मुझे ये जला लेना पड़ेगा मार ले कर सकता है बहुत बढ़िया कर सकता है वेरी नाइस ये मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है फिर से ये बॉल यानी एन ये एनर्जी बॉल मेरे ऊपर फिर से लग चुका है एंड आई थिंक कैप्चर डिट चल पकड़ लेते हैं तू आ जा कैन आई कैप्चर हिम यस गेस आई कैन कैप्चर हिम आ गया आ गया गैस एक न्यू पाल इसका नाम है गैस अच्छा इसका नाम क्या था डार्क ग्लेना कुछ करके तो था एंड हाँ कुछ न्यू चीज में अपग्रेड कर सकता हूं अभी पाल गियर ओ गैज हाँ गाइज यहाँ पे ना मैं पालों को यार वेपन्स भी दे सकता हूँ ये चीज़ तो मैं भूल ही चुका हूँ बेरी प्लांटेशन ये खोल लेता हूँ काम आएगा वुडन लिविंग फर्नीचर सेट ये काम आएगा आ, फायर बो यस डेफिनेटली काम आएगा एंड ये ओके तो गैज जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कर लिया हूँ अब गैस जिसको मैंने पकड़ा था उसको चलो देख लेता हूँ ठीक है तो क्राई ओके ये हैपीटेड अच्छा ओह यहा यहाँ पे हैबिटेट भी दिखाते हैं पुकी डैक्स की तरह ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है तो ये भी एक डार्क टाइप है इट पुट्स डोस क्या इट पुट्स डोस इट इज़ इंटरेस्टेड इन स्लीप एंड शोज देम एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ हैप्पी ड्रीम्स अच्छा तो ये सपनों के दुनिया में लेकर के जाते हैं अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं डोजू फॉल अंडर इट्सपेल्स आर नेवर टू वेक अंटिल डेथ टेक्स देम अच्छा गैस डोजू तो ओ गाइस इसके स्पेल के अंदर कोई अगर फंस जाएगा तो वो तब तक नहीं जागेगा जब तक कि मौत नहीं होगा यार सुन के मेरे को काफ़ी टेंशन ही आ गया यार एनी वेज गाइज मुझे यहाँ पे एक पाल्स स्पेयर दिखा उसको कलेक्ट करके लेके जाते हैं एंड वहाँ पे वो क्या है ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का वो क्या है पता नहीं बट मेरे करेंटली टीम में आप लोग देख पा रहे बहुत सारे पाल है एंड उस चीज़ को मुझे लेते हुए आई थिंक जाना है ग्रीन कलर का जो चीज मेरे को दिखाई दे रहा था इधर ही है वो सुबह लेकर के जाएंगे ठीक है बट फिलहाल जो मुझे कैप्चर करने कैप्चर फाइव लैम बॉल्स और एक लैम बॉल चाहिए था यार जैसे जैसे करके और एक लैम बॉल मेरे को चाहिए था अगर और एक लैम बॉल मेरे को अब मिल जाता ना बहुत बढ़िया होता क्योंकि अब मैं आराम से उस लैमबॉल को पकड़ पाता क्योंकि रात के समय में वो लैमबॉल्स सो जाते हैं यहाँ पे एक तो एक चेस्ट है एक चेस्ट एक नहीं वट इज दिस पिकअप कैट्स वे जर्नल टू ये बुझ गया ओके गोल्ड कॉइन एंड एरोज मिले यार दिस इज़ गुड पेलडियम फ्रेगमेंट लेकर के जाए क्या बिल में कुछ नया चीज़ ओके बेरी प्लांटेशन ठीक है जी फर्नीचर में ठीक है जी ठीक है ठीक है चल चल ले इस yeah. वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे और एक मेरे को पाल नज़र आया जो कि सो रहा है यार सिक्सटीन इसका नाम क्या है डिनोसन अगर मैं इसके साथ लड़ूंगा अभी नहीं थोड़ी देर बाद तो मैं इसको डेफिनेटली पकड़ पाऊंगा सोलह लेवल का है तो पकड़ तो पाएंगे मेरे पास अनयूज पॉइंट भी है तो मैंने जैसे कि बोला था मैं इस बार वेट पे ध्यान दूंगा तो मैंने वेट पे ध्यान दिया ठीक है लेट्स गो अब बेरीज मेरे घर पे ही उग जाएंगे ठीक है तो बेरी के लिए मैं इधर खेती तो इधर ही करने वाला हूँ डेफिनेटली खेती मैं इधर कर लेते हैं नहीं इधर नहीं मैंने प्रॉपर तरीके से अपने बेस को नहीं बनाया हूँ यार मुझे प्रॉपर तरीके से अपने बेस को सेट करना चाहिए था चलो बेरिस में इधर ही प्लान कर देता हूँ एंड मैं ही बना देता हूँ तुम लोग सो जाओ ठीक है पर काफ़ी काफ़ी धीरे तरीके से मैं बना रहा हूँ काफ़ी वर्क लग जाएगा शायद से ओ ये भी आ गया गाइस बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच यार भाई फाइनली गाइस डन यहाँ पे मैंने सीड डाल दिया आप वाटर डालना पड़ेगा जैसे कि डेग पर मैं बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ पानी भी देर तक डालना पड़ेगा गाइस डन एकदम डन अब बस ग्रोथ स्टेज है एंड पाल्टी मिस हंगरी वेरी हंग्री यार ये कैप्टिवा क्या खाता क्या है इसके लिए तो मैंने खाना रखा हो ना ब्रो मे भी गैस ये ना मटन वटन खाएगा क्या खाता है तू यार गैदरिंग हैंडीवर्क भी कर लेता है माइनिंग भी कर लेता है खाएगा क्या तू वैसे अच्छा पॉसिबल ड्रॉप रेड बेरीज आई थिंक गाइज़ मुझे ना इसके लिए मीट वग़ैरह रखना पड़ेगा फटाख से मैं एक मीट को कुक कर लेता हूँ एंड इसी को दे दूँगा ठीक है पता नहीं ये खाएगा कि नहीं मैं बना रहा हूँ चलो बना लेते हैं ठीक है बेग बेरीज अब ये बेग बेरीज मैं इसको ओ इसको तो मैं डायरेक्टली खिला सकता हूँ मैं इसको डायरेक्टली खिला सकता हूँ अगर मुझे खिलाना है इसको एक मिनट यहाँ से मैंने लिया ही नहीं क्या यहाँ से मैंने लिया ही नहीं अगर इसको खिलाना है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे एक मिनट यहाँ पर प्रेस करेंगे एंड इसको खिलाना है कहाँ पर चला गया ये ले इसने कितना खाया इसका फूड मीटर थोड़ा सा तो इंक्रीज़ हो चुका है मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहिए था कच्चा मटन खाता है क्या ये मैंने थोड़े से ज़्यादा तादाद में ये चीज़ बना दिया है थोड़े से ज़्यादा तादाद में मैंने बेकबेरीज बना दिया अब इसको खिलाएंगे ठीक है दोस्त तू टेंशन मत ले तेरे को मैं डेफिनेटली खिलाने ही वाला हूँ एक मिनट खिलाने के लिए यस ये ले ये ले ये ले एंड गाइस इसका पेट मीटर फुल हो चुका है गाइस जैसे ही सुबह हो गया ये लोग खा रहे हैं पहला पेट पूजा कर, कर रहे हैं पहले पेट पूजा कर रहे हैं ठीक है करो 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 एंड ये पानी दे रहा है क्या कर रहा है तो नाच रहे हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग तो कर सकता है क्या ओ अच्छा यही हार्वेस्टिंग कर रहा है यही कलेक्ट कर रहा है गाइस ठीक है ठीक है कलेक्ट करो 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 कोई टेंशन वाला बात नहीं है मैं उलूस को कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ मेरे मेरे को क्या हो गया अभी मेरा हेल्थ इतना तेजी से क्यों गिर रहा है यार ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे को क्या हो गया पता नहीं बट मेरा चल जल, जल्दी से बना ले मर गया मर गया मर गया मर 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 गया मर गया मर गया अभी तक टिके हुए हैं हैं चलो कर लेते हैं। ये खुद खा ले ब्रो ओके खा लिया मैंने आप फिर से हेल्प बन रहा है ठीक है जल्दी से खा ले जल्दी से खा ले भूख में नहीं रहना पड़ेगा ब्रो अगर भूख में रहेंगे तो डेफिनेटली मरेंगे फूलन अपना पेट मीटर फूल करना पड़ेगा मुझे जल्दी से खा ले डन फाइनली गाइज डन अब यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ देखता हूँ आज हाँ बो बना लेना पड़ेगा ब्रो बो बना लेना पड़ेगा ये फायर बो ही बना लेता हूँ क्या डायरेक्ट नहीं फ्लेम ऑर्गेन चाहिए होगा ठीक है नॉर्मल बो ही बना लेते हैं मुझे वो चाहिए था थोड़ा सा एंड देन गाइज मैं एक पावरफुल से आ, पाल को पकड़ने के लिए जाऊँगा ठीक है एंड व्लू का भी मिशन कर लेंगे साथ ही साथ ओके डन नौ वुड कलेक्ट मैंने कर लिया है अब चलो बो बनाने का वक्त आ चुका है बो बनाने के लिए चाहिए मेरे को 30 मैं तभी सोचू मेरा वेपन इतना टाइम क्यों लगा रहा है क्योंकि गाइस मेरा ये वेपन ही टूट चुका है तो फटाक से चलो ये चीज बना लेते हैं ठीक है ये जो रिपेयर की है इसको बना लेता हूँ तू हज जा मैं बना लेता हूँ ठीक है अगर रिपेयर करना है तो सपोज मुझे इसको रिपेयर करना है ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं गाइस मुझे और एक मेन चीज बना लेना पड़ेगा एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं बार बार क्यों क्यों दबा देता हूँ यार ये yeah, रिपेयर यहाँ पे टेबल था ना रिपेयर रिपेयर ओके रिपेयर बेंच इसको ना आप तो यार डायरेक्टली घर पे नहीं नहीं घर पे घर पे नहीं इधर ही लगा देंगे घर पे इंपॉर्टेंट सामान रहेगा तुम लोग काम करो तीनों मिल कर के इसको बनाओ तीनों मिल कर के कर रहे हैं इसलिए गाइस बहुत फास्टर्ट तरीके से ये हो रहा है ओके डन 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 ऑलमोस्ट डन थैंक यू सो मच थैंक यू यस थैंक यू सो मच अब फटाक से इसको रिपेयर कर लेता हूँ ठीक है ओके okay. रिपेयर हो चुका है आप गाइस मुझे फास्टर तरीके से वुड मिलने वाला है ट से मैं इसको कितना घुमा रहा था इस पेड़ से मुझे वुड्स नहीं मिल रहे थे जैसे कि देख पर अब मेरे को मिल रहे आराम से ओके तो इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ओके ओके एंड वेपन मीटर कहाँ पे शो होते अच्छा ठीक है आप हो जाएगा आराम से ये कौन आ गया ब्रो ये तो दूसरे यार पाल भी इधर घुस गए हैं ओके बो बना लेता हूं चलो कोई मेरे लिए बो बनाओ बो बनाओ 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 बनाओ, बनाओ कोई नहीं आ रहा है अभी तक मैं खुद ही लग जाऊं क्या चलो मैं खुरी लग जाऊं तू भी आ गया क्या नहीं, मैं मैं ही बना लेता हूँ फाइनली गाइस मेरे पास अभी बो भी आ चुका है अब मजा आने वाला है ये बो शो क्यों नहीं हो रहा है यार वो मैंने एक्वायर करा कि नहीं यार बो को मैंने बनाया तो ठीक है पर मैंने एक्वायर नहीं करा है। नहीं नहीं, नहीं। एक्वायर भी कर लिया ब्रो तो वो का क्या सीन है अच्छा ऐसे करना पड़ेगा ठीक है इसको ऐसे लोड करता हूं गाइस अब मजा आने वाला है चलो देखते हैं लेट्स कैच डेट अमेजिंग पाल जो कि थोड़ा सा बेलिफ बेलिफ नहीं बेलिफ का एकदम थर्ड इवोल्यूशन कौन सा था उसका मैग्नेलिया कुछ ऐसा ही था था का क्या था या मैग्नियम भूल चुका हूं ना ब्रो बहुत भूल चुका कुछ तो था उसका एंड गाइस मुझे लास्ट सोलो भी देखने को मिल चुका है तो चलो गाइस इस लास्ट सोलो को भी मैं पकड़ लेता हूँ इसको कैप्चर ही करना है चल तू ही काम कर ले तू ना अटैक कर मैंने तेरे को कमांड दिया था दोस्त ओके अरे ब्रो बेकार यार मैंने मैं भी कितना बेकार हूं गाइस वो मेगा स्पियर बॉल मैंने फेंक दिया मैंने क्यू फिर से दबा दिया यार, यार बार बार वही चीज करता हूं मैं बी मेरे को बी दबाना चाहिए क्राफ्टिंग के लिए बट मैं क्या ओह एंड ये देख लो क्या कर रहा हूं यार मिल चुके हैं गाइस मिल चुके हैं लेट्स गो चलो इसको ऐसे भी डैमेज दे सकता हूँ ना मैं ओके काफी बढ़िया फटका पड़ा ओ ये मर गया यार दो एरोस मतलब नहीं मारने से भी हो जाएगा कमान टू ही अटैक कर ले हाँ इसके साथ लड़ ले कमान 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 डैमेज दे इसको जल्दी से डैमेज दे। ओके। ओके 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 आई थिंक इसको कैप्चर करने लायक ये हो चुका है क्योंकि ये अभी जैसे कि देख पड़ो अब क्या हो गया अरे रुक जा ओके कैप्चर हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली यह कैप्चर हो जाएगा डन एंड मेरा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है ओह oh, नाइस nice. अब इनको भी मारो यार इनको भी मारो ये लड़ रहे हैं ना मुझे ना एक अलग टाइप का पाल देखने को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे इस पाल को डेफिनेटली पकड़ के लेके जाना चाहिए ठीक है चलो पकड़ के लेके जाएंगे ठीक है ओके इसको कलेक्ट कर लेता हूँ इसका नाम है गमूस ओके okay. चलो फटका तो बहुत बढ़िया दिया हूं इसका अटैक क्या है पता नहीं उसका अटैक देखते हैं गुमोस तो क्या कर सकता है मे बी गैस ये मेरे लिए वुड वुड कलेक्ट कर पाएगा अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहा है एंड गैस ये मक की तरह क्यों है ये मत बॉल तो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्त बट मैं तेरे को नहीं पकड़ पाऊंगा क्या मेरे पास स्पियर ही नहीं है काश मैं स्पियर को ऐसे बना पाता यार आ रुक 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 तेरा स्पियर मेरे ऊपर ही लग रहा है चल इसको खत्म कर तू आ जा इसको खत्म कर क्या कर रहा है ओके okay, लड़ रहा है 173 का डैमेज दे रहा है यार ओ गुमुस मेरे को क्यों मार रहा है यार अपने क्या केटिवा को मार थैंक यू सो मच बट इससे गुमुस लीव। ओके okay. मुझे अब एक्चुअली ढेर सारे एक्चुअली मैं ढेर सारे मुझे बना लेना पड़ेगा यार ये पाल्स पियर ठीक है नेक्स्ट एपिसोड तक तो ये 30 पाल्स का जो ये मिशन है डेफिनेटली मैं कंप्लीट करने वो वाला हूं लेट्स गो एंड मैं ना फास्ट ट्रेवल भी कर सकता हूँ तो फास्ट ट्रेवल ही कर लेते हैं ना ब्रो ओह फास्ट ट्रेबल नहीं कर सकते हैं क्या ओह हाँ कर सकते हैं ना ब्रो ये मेमोरिस्ट ओ यहाँ पे यहाँ पे पाल्स के इन्फॉर्मेशन भी दिखाते हैं यार ओके पाल के इंफॉर्मेशन तो दिखाते हैं ठीक है बट यहाँ पे मैं फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ क्या मैं इस बड़े से चट्टान के ओ, ओ चट्टान के ऊपर ओह चढ़ सकता हूँ गाइस ये तो बहुत बढ़िया है तो बिना घूम के जाए भी हो जाएगा अभी काम ओके okay. अभी तो मैं मैप के इस वाले हिस्से में हूं कितना बड़ा मैप है एंड इस मैप में मुझे ढेर सारे पाल्स देखने को मिलेगा ठीक है ढेर सारे पाल्स आज मैंने सिर्फ इनिशियल वाला जगह ही सर्च करा बाद में, में पूरा एक एक जगह कल वाले एपिसोड में तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारी जगहों के बारे में मालूम पड़ेगा ठीक है गो चल रहा हूं एंड जैसे ही मेरा गिना मीटर भी डाउन हो है ओके फाइनली गाइस आई एम एन होम क्या मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूं वो भी देख लेता हूं इसको तो अपग्रेड नहीं कर सकता हूं बट मैं यहां पे और एक चीज कर सकता हूँ ये वैसे क्या कर सकता है मेरे लिए वट आर योर कैपेबिलिटीज माई फ्रेंड तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना फोर मैन्यू फीड एट व्यू डिटेल्स ये गैदरिंग करने में बढ़िया है फार्मिंग करने में भी बहुत बढ़िया ही है फार्मिंग में बहुत बढ़िया है बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकता है करके मैं इसको एक मिनट गाइस इसको मैं लीव करके ये क्या इसको लीव करके मैं क्या कर सकता हूं किसी पाल के साथ लड़वा सकता हूं क्या लेट फाइंड आउट ठीक है तो ये इधर है तो इसको मैं क्या कर क्या सकता हूं गाइस लिफ्ट करके कुछ भी नहीं कर सकते खाली इसको लीव कर सकते हैं मेरे को अगर लिफ्ट करके इसका पावर मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि हाँ इस गेम में कुछ कुछ पालों को मैं लिफ्ट करके उन लोगों का पावर उनसे चलवा सकता हूँ गाइस यस जा तो काम कर ले वैसे तो काम करने का लायक है ही नहीं एक्चुअली ये एक काम करने के लायक है ही नहीं तो तू इधर ही रहे मैं इस वो को ही इधर प्रेस कर रहा है ठीक है तो गाइस ये वाला मिशन भी मेरा हो चुका है तो यार चलो गाइस आज के एपिसोड में इधर टक ही रखते हैं या फिर गाइस मुझे और एक पाल के साथ मुकाबला करना चाहिए यहाँ पे ये है ना मेमोरेस इसके साथ एक बार पंगा करके देखो क्या अगर मैं इस मेमोरेस को पकड़ लूंगा ना बहुत बढ़िया होगा मेरे लिए लिटरली बहुत बढ़िया हो जाएगा चलो कैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है ना मैं सिर्फ वो ये एक ही बना सकता हूँ क्या अब क्या कमी है ब्रो ओट लकड़ियों का कमी है इसलिए मेरे को चाहिए था वो घमूस चाहिए था यार शायद से अगर वो घमूस मेरे पास आता तब मैं बहुत ही आराम से वुड्स कलेक्ट कर लेता क्योंकि वो शायद से एक गुड वुड कलेक्टर है यहाँ पे एक बॉस के साथ मुझे पंगा भी करना पड़ेगा एंड वो बॉस ये क्या है ओके okay. ये मेरा बेस है एंड ये प्लेटी ऑफ बिगिनिंग्स है एंड यहाँ पे एक ये क्या है बहिमोट हिल्स तो यहाँ पर एक मिनट का क्या चैलेंज द बॉस एट रेनी सिंडिकेट टावर मेक श्योर योर पाल्स एंड इक्विपमेंट्स आर इन टॉप कंडीशन मैं डेफिनेटली गोमूस को कैप्चर करके ही आ, पहले ये बना लेता हूँ गूमुस को कैप्चर कर लेता हूँ ठीक है पहले ये टुकड़ा बना लेता हूँ गोमूस को कैप्चर करके आज का एपिसोड में खत्म करने वाला हूँ ठीक है तुम लोग वो करो मैं थोड़े से लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पैराशूट बनाने वाला हूँ एंड पैराशूट विल बी वेरी मच नेसेसरी ठीक है क्योंकि कभी कभार जंप कर देते हैं या कभी कभार जंप करने का सिचुएशन आ जाते हैं ठीक है तो उन सब सिचुएशन में ये पैराशूट काफी काम आएगा यस ओके पैराशूट भी आराम से बना पाएंगे तो यस बना दे बना दे बना जल्दी से बना दे एंड कोई चीज मेरा रिपेयर करने के ओके okay. कुछ भी रिपेयर करने के लिए लायक अभी है नहीं गाइस रेट सिंडिकेट पेट्रोल ओ शेड गाइस मे बी अब यहाँ पर बैटल देखने को मिल सकता है अब शायद से यहाँ पर बैटल देखने को मिल सकता है तो मुझे पहले तो इसको निकालना पड़ेगा ओके गो लेट्स गो अब मुझे अपने टीर को निकाल लेना पड़ेगा मे बी गाइस यहाँ पे ओ शिट ये लोग कौन है ये लोग कौन है ओ तो बचा

आई I मीन mean, अगर पास में सिंडिकेट पेटर इन्वेडिंग डे बेस अच्छा कैसे मेरे बेस को इन्वेट करने के लिए भी यहाँ पे लोग आएंगे एंड ये ना अगर कोई लोग आते हैं तो ये इंडिकेट कर लेता है ये तो बहुत बढ़िया एंड टू टू पावरफुल बनते ही जा रहा है मैन एंड मैं, मैं काफ़ी भूख मारी में मर जाऊँगा अभी ये हॉट डॉग है क्या ब्रेड इसको यूज़ करता हूँ ब्रो ओके और कुछ खा सकते हैं क्या बेरीज़ चलो यूज़ 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 ओके okay, डन यार बट तूने बहुत बढ़िया पावर दिखाया यार इसने बहुत बढ़िया पावर दिखाया लिटरली चलो इसको एक्र कर लेते हैं स्पेस ओके स्पेस दबाने ओके यहाँ पर ऊपर भी हैं वो लोग चलो गैस देखते हैं कि क्या कर सकते हैं लैच को और ये अभी भी इधर अटका हुआ है क्या चलो इसको बुलाते हैं एंड इसको इधर ला देते हैं कमान खत्म कर खत्म ये ख़त्म होने वाला है अरे ये ख़त्म ही हो जाएगा यार ब्रो तू काफ़ी है ये ले हेड चौट ले खत्म इससे मुझे स्पियर भी मिले ओके okay, अब अगर जंप कर दूंगा जैसे कि देख पा रहे हो नाइस वेरी नाइस ओ तू इसको भी मार रहा है क्या मार ले मार ले मैं ना इसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाऊंगा एंड सीरियसली सिक्स सेवेंटी फाइव का डैमेज दे रहे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉग बन गया है ब्रो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है अपना हु क्रेस यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके okay, खत्म कर खत्म कर खत्म कर एंड यहां पर गाइस मैं दोनों पोकीमानों को आई मीन पालों को मिक्स भी कर सकता हूँ ठीक है दोनों का हाइब्रिड एक पाल बना पाऊंगा ये बहुत बढ़िया चीज़ है अपने आप में लेट्स गो लेट्स गो ओ ये यही तो चाहिए है इसकी क्या गिरा यार यही तो चाहिए था मेरे को चलो इसको निकाल लेता हूँ पहले तो इसको अटैक करना पड़ेगा ओके ये डेफिनेटली नीचे आएगा नीचे आएगा और एक मार्ट है ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है ब्रो है आखिर ये कैसे हो सकता है ओके मैं अब आ गया हूं ये मेरे को अवॉइड कर रहा है यार तो इसको कुछ भी नहीं हो रहा है पता नहीं अरे ये कैसा पावर है यार इसने तो एक ही पावर में मेरे को गिरा दिया ये ताकतवर है इसलिए ये मेरे को यह चेतावनी दे रहा है कि भाई सब देख मेरे साथ मत लड़ ठीक है मैं खतरनाक हूं तो ये अपना पावर बता रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग खत्म कर इसको खत्म कर कुछ भी नहीं कर रहे ओके मार रहे मार रहे मार रहे नाइस नाइस इसके साथ लड़ ले खत्म कर खत्म कर जैसे इसका हेल्थ आधा हो जाएगा मैं डेफिनेटली इसको पकड़ लूंगा ओ मेरे पास एरोज भी नहीं है अभी यार बेकार है यार तू बेकार तू नहीं कर पाएगा इसके साथ नहीं लड़ पाएंगे कैसे आज तो इसके साथ नहीं लड़ पाएंगे मुझे देखने से ही मालूम पड़ रहा है। ये अटैक इतना क्यों नहीं कर रहे मे बी क्या ये जगह में फंस चुका है ऐसा भी हो सकता है हाँ इस जगह में ये चुका है, ठीक है अटैक कर डो को तो नहीं निकाल पाऊंगा डो को नहीं निकाल पाऊंगा बट फिर भी मैं इसको निकाल रहा हूं खत्म कर इसका या डार्क स्पियर तो कुछ ज्यादा ही मतलब और ये तेज़ है यार ये जो डे ड्रीम है इसका नाम डे ड्रीम है ना इसका यार स्पीड काफ़ी फास्ट है अपने उस आउल पाल से भी ज़्यादा फास्ट तरीके से मार रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गाइस ये डोडो अटैक कर रहा है ये डोडो अटैक एक साथ कर रहा है जैसे कि देख पा रहा हूँ ये पॉइजन बॉल और साथ ही साथ गाइस ये डार्क पल्स एक साथ छोड़ रहा है एंड गाइस मैं इसको टू परसेंट सिर्फ दो ही परसेंट रेट में इसको पकड़ सकता हूं चलो गाइस एक बॉल फेंक करके देखता हूँ क्या कहते हो लेट्स यूज तू आ जा क्या ना हाँ हाँ इसको नाइज अब ये मेरे को अटैक करेगा अब मेरे को अटैक करेगा एंड इसने काफ़ी भयानक अटैक दिया क्योंकि ये मुक्त हो चुका है गाइस ये मुक्त हो चुका है शेट इसने मेरे को मार डाला इसने मेरे को मार डाला ओह नो गाइस अब मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो मज़े में रहो बाय बाय चिकित्सा होने रहा यार इसके लिए शायद से यार दो तीन यार बॉन्सो चाहिए होगा यार लस गो